जलील हो रही है सुबह 6-6 बजे से आके क्या हुआ धक्के मारे ना सिपाही ने मनु धक्के मारे हाँ बाहों फाड़ के बाहर लोग ज्यादा है पहले आईडी कार्ड लेके आराम से बैठा के 20-20 औरतें नीचे बुला के ये देख दो लाइनें लगवाई हूं एथो फाड़ के सिपाही ने मनु पौड़ियां चाड़या था फिर मेरा बेटा आगे होया है सिपाही ने नहीं हाथ मैंने पकड़ा ही नहीं है मैंने इसको ये कहा कि बाजी आप औरतों की लाइन में आए मैं आपका कार्ड पकड़ के फिर आपको बाद में बुला लूंगा भाजी आओ सौदा जिले आटे की बारी आंदी है नाल इन्हां दी मां मर जांदी है आटा बाटा लेके जा रहे हैं सारे अपनी आटा लेके जा रही है सब झूठ बोलने ने क्योंकि किसी का भाई है किसी का बेटा है ऊपर हर दिन वो नहीं गलत है और तो नहीं गलत है यहां पे ऐसी औरतें जो सुबह 6 बजे के आई हुई है उसको कोई राशन नहीं मिला तीन 4,000 का सौदा लो दो थैले आटे दे दिन नहीं तो जबरदस्ती कर दे नहीं देंदे आटा करी 3,000 का सौदा लो तो देने तरले हाथ भी जोड़ो ने ना देगे तो आखनगे नहीं देना 3,000-4,000 का सौदा लो तो दो थैले आटे दे देना नहीं नहीं देने अंदर एडी मुश्किल गई है दो घ्यो दो आटे नाल और सौदा लवो मैं थोड़ा जो भी नहीं लिया गंजाश दिन तक फिर भी उन्होंने मैंने एक थैला ही दिता है आटे दा बेटा फोत होया सालाना खत्म दुआना जी सन 2012 दी इस 12वें महीने च मेरा पुत्र फोत होया सी जुमेरा फटदे आ ए गलत काम है राशन मिलदा हुंदा सी जिवें वारी आंदी हुंदी सी राशन मिलदा हुण इन्हां ने काम कर लिया कार्ड इन्हां ने पहले ले लेने कार्ड पहले फड़ लेंदे ना थल्ले वाले दे उत्ते कार्ड उत्ते वाले थल्ले कार्ड इधर आए किधर जा रहे हैं इधर आए कार्ड क्यों लिए हैं पहले आप आओ माँ जी आओ उधर मेरे नाल आओ लो जी हमारी किस्मत में है लाइनों में खड़े होना ये हमारी माए बहने जलील हो रही है सुबह 6-6 बजे से आके और सुबह नीचे जाएंगे यूटिलिटी स्टोर में आटा चीनी घी क्यों नहीं दे रहे हैं माँ जी इधर आओ आ जाए क्या हुआ धक्के मारे ना सिपाही ने मनु धक्के मारे हाँ बाहों फाड़ के बाहर यूटिलिटी स्टोर में मैं इस टाइम आ चुका हूँ भैया क्या हाल है आपका कैसे हैं आप ठीक हैं थोड़ा सा आ गया अभी आईडी कार्ड पहले ले लोग ज्यादा हैं पहले आईडी कार्ड लेके आराम से बैठा के 20-20 औरतें नीचे बुला के ये देख दो लाइनें लगवाई हूँ लोग ज्यादा है तो आईडी कार्ड पहले लेना बनता नहीं इनकी तरतीब के लिए औरतें तो भाई रुकती नहीं है औरतें तो रुकती नहीं है ये बाजी एंड पे आई है मैंने इन्हें कहा जी आप एंड पे आई हैं माँ जी आईडी कार्ड कितनी देर पहले ए दो बंदियां दी लाइन च दो बंदे कड क्या तीसरा मेरा बेटा सी मेरे बेटे ने शनाख्ती कार्ड फड़ाया था बच्चियां दे शनाख्ती कार्ड से नहीं फड़दे 20-22 साल दा बच्चा नहीं है बच्चा मैं पौड़ियां तक कराइया सिपाही ने मैनू 20 साल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਇਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤੇ ਵੀ ਉਨਸੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਐਸ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਕਾਰਡ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਲਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰ मैंने इसको ये कहा कि बाजी आप औरतों की लाइन में आए मैं आपका कार्ड पकड़ के फिर आपको बाद में बुला लूंगा लेकिन ये फिर भी धक्के के साथ इसके मैं मेरी माँ झूठ पता नहीं ये क्या इसके साथ इसका बेटा भी था इतनी बदतमीजी मेरे साथ करके गया आप इधर की मैनेजर हाँ जी मैं ही मैनेजर हूँ कार्ड फड़ ला भाई कार्ड फड़ ला मेनू बाहों फड़ के ता छड़ के आया बेटा लगा सी बेटा लगा पता नहीं लाइना जी तो लैदा जो लगियां है भाई साल दा बच्चा आप जी सुबह किन्ने बजे दे आए सुबह 8 बजे 8 बजे दे आए हो आप कितने बजे हैं 8 बजे आए थे अभी 8 बजे कितने बजे 8 बजे हम दोनों साथ ही आए हैं 8 बजे 7 बजे आए लेकिन ये नहीं आएंगे बहुत लेट आएंगे सुन ले भाई पहले आईडी कार्ड लेना बनता नहीं है मेरी बात सुने जो असूल की असूल की बात है तरतीब के साथ मैंने काम करना है आगे मशीन तो नहीं ना लगी तो कैसे पता चलेगा जिनका आईडी कार्ड आपने पहले ले ली एंट्री नाम बुला के उसको नीचे बुला लेता हूँ अभी मैंने 10 कार्ड जो है ना बोल के 10 कार्ड जो है ना औरतों के बुला के ये देखें 10 बीबियां इधर 10 बीबियां इधर मैंने तरतीब के साथ ही काम करना है
ये यकदम सब का काम तो नहीं ना कर। यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 बीवियों के कार्ड लेता हूं मैं पहले, उसको फिर नीचे बुलाते हैं, 10 इधर और 10 इधर, 20 बीवियों के कार्ड, जितनी जितनी जगह है ना उतनी जगह कार्ड पहले ले। हाँ हाँ जी, उसके बाद उनको नीचे बुलाते हैं, राशन देते आके, क्योंकि हर बीबी का 10 से 15 मिनट का उसने सामान भी लेना है, 10 मिनट उसने अंदर लगाने हैं, फिर 2-3 मिनट उसके बिल पे भी लगने हैं। तो ये देखें बाहर कितनी बीबी, 200-250 के करीब है। तो भाजी आओ, भाजी आओ, आओ भाजी लो सौदा। जिले आटे की बारी आती है नाल इन्हों की मां मर जाती है, फिर बात नहीं पुछते, फिर बात नहीं पुछते, बात नहीं पुछते, मां 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 सांझी, फिर गल नहीं सुनते, फिर गल नहीं सुनते, फिर गल इनकी भी है लेकिन गलती उन्हीं की भी है। आटा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये आटा किस लिए? इनको ही दे रहा हूँ भाई, ये देखें आईडी कार्ड पकड़ के, तुसी खुद लाइन बना। बाहर जितने खड़े हैं ना वो कह रहे आटा मिल नहीं, तो हम लोगों को सुकून है कि कार्ड पहले ले लेते हैं। आप मुझे ये बता दें, आपकी चलो बारी आई, अभी आप राशन ले रही हैं, ठीक है, जो बाहर 50 से 60 खातून मौजूद है, वो झूठी हैं, उनकी तो वो झूठी हैं भाई, वो सच्ची हैं, वो झूठी। 8 बजे के आए हुए, हमने कार्ड जमा कराए। मुझे सवाल ये मैं कर रहा हूँ कि वो जितनी बाहर खड़ी हैं वो झूठी हैं भाई, वो लेट आई हैं, उनका अपना कुछ। 6 बजे की आई हैं, वो बाहर बैठी हैं, आप 8 बजे के आगे पहले कैसे? नहीं भाई, 6 बजे की आई हैं, जेडी 11 बजे करवावेगी, क्योंकि मैं सुबह आई हूँ, ऐ तो कोई बात ना ना हो। बाहर चलूंगा मैं, बाहर बात दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि आईडी कार्ड पहले ले ली है, आटा नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर रश लगा हुआ है, और भाई कह रहा है कि 20 खवातीन को मैं नीचे बुलाता हूँ, पहले उनसे आईडी कार्ड लेता हूँ, आईडी कार्ड लेकर एंट्री डालता हूँ, फिर 20 खवातीन को नीचे बुलाकर उनको राशन दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है बिल लेने में भी और देने में भी, लेकिन नीचे जो 10-15 खातून मौजूद है वो ये कह रही है कि बाहर जितनी भी खातून खड़ी हैं वो सब झूठी हैं, वो सब झूठ बोल रही हैं, वो अभी अभी आई हैं और कहती हैं कि हम सुबह से आई हैं। क्या आप लोग झूठ बोल रहे हो? कितने बजे से आए? 7 बजे के। आप 7 बजे से आए? आपकी बारी नहीं आई, जो नीचे खातून 8 बजे आई है उनकी बारी आ। नहीं 8 बजे नहीं, नहीं गलत बात है ये, गलत बात है। आप कौन हो? मैं यहाँ आया हूँ एक दोस्त के साथ। क्या ले? मैं राशन लेने 8 बजे का आया हूँ। आपका दोस्त? वो चला गया, उसने राशन ले नहीं लिए राशन, 8 बजे का खड़ा हुआ, मेरा आईडी कार्ड भी नीचे पड़ा है। यहाँ पे ऐसी औरतें जो सुबह 6 बजे के आई हुई है, उसको कोई राशन नहीं मिला है। हाँ तो 8 बजे वाली खातून नीचे खड़ी, तो वही कह रहा हूँ मैं भी 8 बजे वाला हूँ, मुझे कह रहा है कि कल आ जाने या शाम तक रात तक रुकना। हाँ अब यानी कि जो नीचे सिफारिश के साथ मिल रहा है, जो नीचे खातून यहाँ पे एक बंदा भी लेके गया आटा, वहाँ के आईडी कार्ड भी नहीं है, अब आके खड़े हो, अब 8 बजे के आए हुए, कह लो शनाती कार्ड से जाओ, नाम पता तो नहीं देना। यानी कि सिफारशियों को राशन दिया जाए, बिल्कुल तरतीब ठीक है, कार्ड अंदर जाने से हर कस्टमर जो फारग होंगे बाहर आन के अंदर बाहर ही जाएगी दोबारा। बिल्कुल सही जा, यानी कि बात ये है कोशिश कर अगे एनजी कोई 7 बजे आ गए, 6 बजे, 10 बजे उन्हें कार्ड फड़े, कितने बजे आए? 8 बजे आ गए, 7 बजे दे आए, कोई गल नहीं, 7 बजे की ये मेरी बूढ़ी माँ आई है, मेरी गल, और जो नीचे औरत खड़ी है कोई गल नहीं, उन्हें कार्ड फड़ने वाले सारे झूठा करी जा रहे हो, जो नीचे खातून खड़ी है वो कहते मैं 8 बजे आई हूँ, उनको कैसे राशन दिया जा रहा है, और मेरी माँ जो 7 बजे की आई है उसको बाहर धक्के लाइन में खड़ा किया हुआ है, खाली आटा नहीं मिलता। हाँ
कभी नहीं ज्यादा देते हैं। मजदूर है, दिहाड़ी लागी लागी ना लगी तो ना सी, तीन चार हजार का सौदा लो, दो थैले आटे दे, नहीं तो जबरदस्ती करते नहीं देंगे आटा, दिलावा चार हजार का सौदा तो फिर देंगे। ना जी सुन लो यार, जरा बहुत ही होना था, सैड साढ़े चार हजार का सौदा लिया था तो आटा एक तोड़ा दिया था, फिर दोबारा बस ऐसे ही। क्या लगते हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ तो लगते हैं? नहीं नहीं हमारे नहीं लगते, कहने का मकसद ये है, 5000 का या 6000 का राशन लेंगे तो आपको आटे का थैला मिलेगा, खाली आटा लेने जाएंगे तो आपको आटा नहीं मिलेगा, आपको धक्के मिलेंगे और आपको लाइनों में खड़ा करके जलील करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे टाइम खत्म हो गया आप घर जाएं, घर जाके सो जाएं, तो क्या इनके बच्चे भूखे सोएंगे? ये सिस्टम हो रहा है, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, लाइन में खड़े होना हमारे फितरत में शामिल हो चुका है। ये 2000 का ये सौदा है, 2000 का सौदा लिया है, आटा ले लिया कि नहीं लिया? थोड़ा मिलेगा और सौदा, 2000 का सौदा लिया तुसी, राशन लिया है, एक थैला मिलेगा, खाली आटा लेने जाते हो तो की कहते ने? नहीं नहीं मिलेगा, 1400 का कहने ने देंगे, खाली आटा लेने जाते तो आटा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा खाली आटा, खाली आटा नहीं, पहले सौदा लोगे फिर उसके बाद आटा मिलेगा, पहले राशन ले, फिर उसके बाद 4-5000 का राशन, 5000 का भी एक औरत है, 5000 के लिए एक ही थैला दिया उसको, एक ही थैला, एक ही थैला। ये हो रहा है जी आपके शाहदरा जुलडल्डी स्टोर में, शाहदरा मोड़ वाली ब्रांच में। आप मजिस्ट्रेट साहब और DC साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ACCT साहब अगर आप ये देख रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी माए बहने हैं और ये आपकी भी माए बहने हैं, सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी माए बहने हैं, और ये जलील हो रही हैं, 6-6 बजे से आके यहाँ पे लाइन में खड़ी हैं, वो दिखाएं ज़रा, थक चुकी हैं बेचारी, क्योंकि नाश्ता नहीं किया इन्होंने, इनके घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, अगर आटा नहीं लेकर जाएंगे तो बच्चे भूखे सोएंगे आज रात को भी, तो ये सिलसिला हो रहा है। और ये माफिया जो स्टोर बनाकर बैठे होते हैं, ये कहते हैं भाई पहले 5-6 हज़ार का राशन लें, फिर आपको एक थैला मिलेगा, राशन नहीं लेना तो आपको आटा भी नहीं मिलेगा, आप वापस जाएं, एक एक घंटे में या 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहें, उसके बाद घर वापस जाएं। एक थैला कितनी देर बाद मिला है भाई? कभी देने रे थोड़े सौदे दे नाल भी दो थैले दे देंदे ने, कभी 3000 का सौदा लो तो देने रे तरले हाथ भी जोड़ो ने ना देगे तो आखणगे नहीं देना, 4000 का सौदा लो तो दो थैले आटे दे देने, नहीं तो नहीं देने, 4000 दा राशन लवोगे तो दो थैले, नहीं तो नहीं देने, खाली आटा मिलदा कि नहीं? नहीं मिलदा, नहीं देने, आने भाई वक्त आखणगे तुहाडा आटा आया ही नहीं है, आखिर 20 महीने च एक अद्धा दिन घट दे दो, आईडी कार्ड वहां दे की कहंदे तुहाडा आटा आया ही नहीं? आया ही नहीं है, महीने च एक दिन घट होए तो नहीं आटा देंगे, वध होए तो फिर देंदे ने, नहीं तो नहीं देंदे आटा, जरा मजदूर बंदा है जेदे को ना 4-5 हज़ार होए कित्थों लवे आटा, ए मैं तुसी दसो ना। ये मेरी बहन एक मजदूर की जाहिर सी बात है बीवी होगी, जोजा होगी, और वो 1000 रुपये ज्यादा से ज्यादा कमा लेगा, दिन में दिहाड़ी लगा लेगा, वो भी समझ लें कि कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन 4-5 हज़ार कहाँ से लेकर आएँ? जब ये राशन लेने के लिए आती हैं, आटा लेने के लिए आती हैं, तो यूडल्टी स्टोर वाले इनको कहते हैं कि पहले 5000 का राशन लें, फिर आपको आटे के थैला मिलेगा, यानी कि खाली आटा नहीं मिलेगा आपको, इनको जलील किया जाएगा, इनको 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़ा करेंगे, उसके बाद कहेंगे लो जी टाइम ख़त्म हो गया, अब आप घर जाएं, आप भी भूखा सोएं और आपके बच्चे भी भूखे सोएं। इन्हां नूं मैं क्या, मैनूं 5 किलो घिओ दे दो, चीनी दे दो, दो आटे दे दो, साडा टाइम चल जाएगा, अंदर एडी मुश्किल गई आ, दो घिओ दो आटे नाल होर सौदा लवो, मैं थोड़ा जो भी ले लिया गंजाश दिन तक, फिर भी उन्होंने मैनूं एक थैला ही दित्ता आटे दा, एक दा तो मैं सुबह 6 बजे दी आई आ घरों, ते घिओ किन्ना मिले? घिओ दो दित्ते ने, मैं क्या मैनूं बेशक 5 दे दो, चलो देख च भी पै जाएगा जो उस तरह चल जाएगा, दो पैसे लैणे एक तोड़ा मिलिया ना, तो मैं कहा दो दे दो तो नहीं दिए। लो जी ये यहाँ पर कोई बड़े मिनिस्टर की बीवी नहीं आएगी राशन लेने के लिए, ना ही यहाँ पर कोई बड़े ग्रेजुएट की बीवी आएगी, या 18वें ग्रेड के अफसर की बीवी आएगी राशन लेने के लिए, यहाँ पर अगर राशन लेने के लिए आएगी तो मेरी बूढ़ी गरीब माँ आएगी, मेरी बूढ़ी गरीब बहन आएगी राशन लेने के लिए, कोई अफसरों की बीवियाँ या बेटियाँ या बहनें नहीं आएंगी यहाँ पर राशन लेने के लिए, लेकिन उनको उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये सब कुछ आपने आपको दिखाया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्लाह हाफ़िज़।